दोस्तों नमस्कार, मैं दीपंकर। आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऑफलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते कैसा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क का बिजनेस है, इसलिए इसमें सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे को मदद करना चाहिए। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ऑफलाइन और डाउनलाइन के बीच एक अच्छे रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज इस वीडियो में ऑफलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑफलाइन और डाउनलाइन के बीच कैसे रिश्ते होना चाहिए, जिसमें इस बिजनेस में दोनों को फायदा हो सके। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं ऑफलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले जान लेते हैं एक ऑफलाइन का अपने डाउनलाइनों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए। एक ऑफलाइन को अपनी डाउनलाइनों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाकर रहना चाहिए। एक अच्छा ऑफलाइन वही होता है जो अपने डाउनलाइनों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। ऑफलाइन जो भी सीखता है उसे अपनी डाउनलाइन को जरूर सिखाना चाहिए। ऑफलाइन को जितना भी इस बिजनेस को अनुभव है, जितना भी गलतियां से सीख मिले है, उसे अपनी डाउनलाइनों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि डाउनलाइन आगे चलकर वो गलतियां ना करे और वो इस बिजनेस में जल्दी आगे बढ़े। क्योंकि जब डाउनलाइन आगे बढ़ेगा तो ऑफलाइन ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। इसलिए एक ऑफलाइन को हमेशा अपनी डाउनलाइन को मदद करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए और उसे एक दोस्तों की तरह माने। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऑफलाइन को कभी भी अपनी डाउनलाइनों को बुराई नहीं करना चाहिए, ना ही उसको सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। एक अच्छी ऑफलाइन वही होता है जो कभी अपने अंदर ईगो एटीट्यूड नहीं रखता और अपने डाउनलाइनों को अपना दोस्तों की तरह मानते हैं। अगर डाउनलाइनों को इस बिजनेस में किसी तरह को प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। हमेशा अपनी डाउनलाइनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ऑफलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। एक डाउनलाइन को अपनी ऑफलाइनों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। डाउनलाइनों को हमेशा अपनी ऑफलाइनों को बातों को सुनना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कभी भी अपने डाउनलाइनों को गलत सलाह नहीं देगा। एक अच्छी डाउनलाइन वही होता है जो अपने ऑफलाइनों को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि एक ऑफलाइन ही होता है जो उसे इस प्लेटफॉर्म में लाया है। ऑफलाइन जो भी सीखता है उसे सिखाने की कोशिश करता है। ऑफलाइन जो भी सिखाता है उसे सीखने की कोशिश करे और उन्हें फॉलो करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन आपसे पहले इस बिजनेस में आया है। तो चाहे एक दिन की ही सही, लेकिन उन्हें आपसे ज़्यादा अनुभव है और एक ऑफलाइन कभी भी अपने डाउनलाइनों को गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने ऑफलाइनों को कही हुई बातों को माने। एक डाउनलाइन को कभी अपने ऑफलाइन को बुराई नहीं करना चाहिए। वो जैसे भी हो, लेकिन उसने आपको इस ज़िंदगी बदलने वाली प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका दिया है। और अगर आप अपने ऑफलाइनों को बुराई करेंगे तो आपको डाउनलाइन भी आपको बुराई करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये कल्चर बिल्कुल भी पास ना करें। हमेशा अपने ऑफलाइनों को रिस्पेक्ट करें, जिसे आगे चलकर आपको टीम भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपको बातों को मानेंगे। एक डाउनलाइन को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है, मुझे ऑफलाइनों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलत सोच है, क्योंकि ये इस बिजनेस को कल्चर नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको देखकर आपको नीचे वाले भी ऐसा ही करेंगे और आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। दोस्तों इस बिजनेस में हमेशा अपने ऑफलाइनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आप जितना भी बड़ा बन जाए। जिस तरह एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाते हैं लेकिन अपने बाप को रिस्पेक्ट करना नहीं भूलता, उसी तरह एक डाउनलाइनों को भी हमेशा अपने ऑफलाइनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन और डाउनलाइन की रिश्ते कैसे होना चाहिए ये जानकर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम नया नया नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं।